दोस्तों, अगर हम इंसान और जानवरों के दरमियान एक अच्छे रिलेशन की बात करें तो आपके जहन में फौरन बिल्ली और कुत्ते के बारे में ख्याल आएगा। बिल्ली और कुत्ते को इंसान का सबसे करीबी दोस्त माना जाता है। कई दफा आपने इन दोनों जानवरों और इंसान के दरमियान प्यार को देखा होगा। क्या आपने किसी इंसान और मगरमच्छ या फिर खतरनाक शेर और औरत के प्यार को देखा है? नहीं देखा होगा। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे ही खतरनाक जानवर और इंसान के दरमियान दोस्ती, जिनके बारे में जानकर आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें। जो आओ एक 71 साल का बूढ़ा शख्स है जो ब्राजील में समंदर के साथ एक गांव में रहता है और समंदर से मछलियां भी पकड़ता है। एक दिन जो आओ को समंदर के किनारे जख्मी पेंगुइन मिला। जख्मी होने के साथ पेंगुइन का पूरा जिस्म तेल से भीगा हुआ था, जिसकी वजह से इसके लिए तैरना भी मुश्किल था। पेंगुइन की इस हालत को देख कर जो आओ अपने साथ घर ले आया, फिर इसकी बॉडी को साफ किया, कुछ महीनों तक अच्छी देखभाल करता रहा और इसको रोजाना मछली की खुराक भी खिलाता था। जब वो पूरी तरह ठीक हो गया तो इसको पास मौजूद समंदर में ले जाकर छोड़ दिया। जैसे ही जो आओ अपने घर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद ही इसने घर के बैग से पेंगुइन की आवाज सुनी। जो आओ इस मंजर को देखकर हैरान रह गया। वापस आने के बाद पेंगुइन 11 महीने तक जो आओ के साथ रहा, फिर वापस चला गया। वापस जाने के कुछ महीनों बाद 5000 मील का फासला तय करके पेंगुइन फिर अपने दोस्त जो आओ के पास आ गया। 2011 में पहली बार पेंगुइन जख्मी हालत में जो आओ को मिला। इसके बाद से हर साल जून के महीने में पेंगुइन जो आओ के पास आ जाता है और फरवरी तक इस बूढ़े शख्स के साथ ही रहता है। इन दोनों की दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। चीटो एंड पोचो। मगरमच्छ को पानी में रहने वाले जानदारों में सबसे खतरनाक माना जाता है। पानी में रहते हुए ये किसी भी इंसान या जानवर का शिकार कर सकता है। खतरनाक जानदार होने की वजह से इंसान और दूसरे जानवर इससे दूर ही रहते हैं, बस एक आदमी को छोड़कर, और उस आदमी का नाम गिलबर्टो चीटो है। चीटो को दरिया के किनारे एक जख्मी अमेरिकन मगरमच्छ मिला, जो अब पूरी दुनिया में पोचो के नाम से फेमस हो गया है। चीटो इस जख्मी मगरमच्छ को उठाकर अपने घर ले आया और इस मगरमच्छ का इलाज किया। जब ये पूरी तरह ठीक हो गया तो चीटो ने फिर इसी दरिया में ले जाकर छोड़ दिया। दरिया में छोड़ने के थोड़ी देर बाद चीटो जब घर पहुंचा तो इसके पीछे मगरमच्छ भी वापस आ गया। फिर तो इसके बाद दोनों ही इकट्ठे रहने लगे। 2011 में चीटो के साथ रहते हुए इसकी मौत हो गई थी। और लाजमी एंड लाइंस। शेर को जंगल का बादशाह ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि जंगल में शेर का कोई भी जानवर मुकाबला नहीं कर सकता, ये तो आप जानते हैं। खतरनाक शिकारी होने की वजह से शेर इंसानों का भी शिकार कर सकता है, शायद इसीलिए इंसान भी इससे दूर ही रहते हैं। और लाजमी एक ऐसी औरत है जिसको शेर से जरा भी डर नहीं लगता, बल्कि अब तो वो शेर की फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। और लाजमी की दोस्ती सिर्फ एक शेर से ही नहीं बल्कि कई और के साथ भी है। सभी शेर इस तरह से इसके साथ प्यार करते हैं जैसे और लाजमी उनकी फैमिली का ही हिस्सा है। स्वेटलाना, यूरी एंड स्टेपन। ये एक रशियन कपल है जिन्होंने भालू को अपना पालतू जानवर बनाया हुआ है। 23 साल पहले इस भालू की उम्र सिर्फ 9 महीने थी जब ये अकेला हो गया था। इस छोटे से भालू को अकेला देखकर ये कपल अपने साथ घर ले आया। 23 साल से स्टेपन नाम का भालू स्वेटलाना एंड यूरी के साथ रह रहा है। इस भालू ने अपने आप को इंसानों के साथ एडजस्ट कर लिया है। ये भालू इस कपल के साथ टीवी भी देखता है और फुटबॉल भी खेलता है, हत्ता कि ये गार्डन में पौधों को पानी भी देता है। इस भालू के साथ कई कंपनीज भी अपना एड शूट करवाती हैं। अब तो ये भालू एक सेलिब्रिटी बन चुका है। केविन, लायंस एंड हाइनस। जंगल में शेर और लगड़ बगे की सबसे बड़ी दुश्मनी समझी जाती है। साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले केविन रिचर्डसन, जो द लायन विस्परर के नाम से भी मशहूर हैं, ये वो शख्स है जिसने शेर और लगड़ बगे से दोस्ती की हुई है। दोस्ती करने के बाद दोनों जानवरों को एक साथ रखने पर कामयाब भी हो गया है। केविन की शेर के साथ दोस्ती इतनी गहरी है कि वो इसके जिस्म पर सर रखकर सो भी जाता है। दूसरी तरफ लगड़ बगे को अपने गले भी लगा लेता है। केविन को जानवरों से दोस्ती करने में 10 साल का टाइम लगा। अब तो ये लायन मैन के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम भी कर दें।